गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने कब उड़ते रहना जीवन भर इस कविता की शुरुआत की थी और हमने देखा था कि कवि ने किस तरह से मनुष्य को उसके जीवन भर की याद दिलाई है और उसने कहा है कि हे मनुष्य, तू अपने पथ पर चलने का रास्ता ही भूल गया है और तू अपने बाजुओं में यानी पंखों में तेरी ताकत है, वो ताकत भी तेरी कम हुई है। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपने जीवन पथ पर चलते चलते अगर आधे अधूरे में ही तुम लौट कर आ जाओगे तो तुम्हारा जीवन मृत्यु से भी बुरा होगा। अब बुरा होगा ही क्यों कहा है? क्योंकि यहां पर उसने कहा है कि तेरे जीवन में चलता रहे चल।
करने का वक्त आता है, दो हाथ करने का समय आता है, तब वो कभी पीठ दिखाकर पीछे हटते नहीं है कि सामने वाला दुश्मन बहुत भारी है और वो अगर कम पड़ रहा है तो वो वहां से लौटकर नहीं आता है, फिर भी वो अपने बाजुओं पर इतना भरोसा करता है, वो अपने ताकत पर भरोसा करता है और उससे लड़ता है, लड़ते लड़ते मिट जाता है। यही हमें करना है और इसीलिए ऐसे लड़ते लड़ते मरने वाले सैनिकों को हम अमर कहते हैं, शहीद होते हैं वो। वैसे ही हमें भी अपने जीवन पथ पर चलते चलते शहीद होना है। अगर हम जीवित रहें तो हमारा और भी एक ऊंचा स्थान होगा। बच्चों याद रखना है कि हमारा जीवन जो है वो एक संघर्षों से भरा हुआ है, क्योंकि जीवन ही एक संघर्ष है, बिना संघर्ष के जीवन हो ही नहीं सकता। चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, हर एक के जीवन में उसके अपने अपने तरीके से, अपने अपने पद के अनुसार उसे संघर्ष करना ही पड़ता है। और जो मनुष्य संघर्ष कर अपने मंजिल तक पहुंचता है तो उसे जो गर्व और जो महत्व होता है वो बहुत ही देखने लायक होता है और उसे एहसास होता है कि कोई भी कार्य इतने आसानी से नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इसी तरह से यहाँ पर कवि ने हमें जो आशावाद दिखाया है, जो आपको आशावाद अपने अंदर निर्माण करना है, आशावादी दृष्टिकोण रखनी है, अपने आप को निडर बनाना है, वीर बनाना है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपनी ताकत को, अपने बाजुओं की ताकत पर कभी कम नहीं करनी है उस ताकत को, बल्कि उसे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। जिस तरह से ये ख यानी पंछी आकाश में भी उसके कई समस्याएं होती है, वो उसे पता है, जिस तरह से हमारे जीवन में भी अनेक समस्याएं आती रहती है, उसी तरह से उसके जीवन में भी समस्याएं हैं। और इसीलिए यहाँ पर कवि ने ख को, जो कविता यहाँ पर लिखी हुई है वो कविता मनुष्य को ही इसी तरह से उन्होंने संबोधित की हुई है और उससे जुड़ी हुई इस कविता को हमारे सामने रखा है। बच्चों जाते जाते इस कविता के बारे में एक हरिवंश राय बच्चन जी की कविता मैं आपको सुनाने वाली हूँ, क्योंकि वो कविताएं भी हमारे बाजुओं में ताकत भरने का काम करती है, हमारे अंदर आशावाद निर्माण करती है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बिना किसी के सहारे हम कैसे आगे बढ़े? अगर हमें अच्छा बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, उस कविता को याद करनी है, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और अपने मंजिल को हमें हासिल करके ही रहना पड़ेगा। और इसीलिए मैं जो कविता आज आपको हरिवंश राय बच्चन जी की सुनाने वाली हूँ, उस कविता का नाम है अग्निपथ। क्या नाम है? अग्निपथ। बच्चों गौर से सुनो, ये कविता बहुत ही हमारे अंदर प्रेरणा और जोश भरने वाली कविता है। उसे आप अगर अपने अंदर समाओगे, आत्मसात करोगे, तो तुम्हारे भी बाजुओं में वो ताकत निर्माण होगी और तुम लड़ने के लिए सक्षम हो जाओगे। तो बच्चों ये कविता की पंक्तियां हैं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो खड़े हो बड़े, एक पत्र चाहो भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बच्चों है ना कितनी आशादायी ये कविता, हमारे अंदर जोश भरने वाली। कैसे यहाँ पर भी हरिवंश राय जी ने कहा है कि अपने अग्निपथ से भरे हुए रास्ते पर चलते समय हमें किसी भी प्रकार की सहायता को नहीं लेना चाहिए,
संघर्ष है उसे उसी तरीके से जब तुम लड़ोगे तभी तुम्हें उस मंजिल से जो हासिल होगा, जो जब वो मंजिल तुम्हें मिलेगी तब तुम्हें जो आनंद होगा वो आनंद कहीं आनंदों से बड़ा होगा। तो बच्चों जरूर अपने अंदर रखोगे ना, आशावादी एक अपने बाहों में हमेशा ताकत रखो, इसमें बहुत बल है, ताकत है तुम्हारे हर समस्या के लड़ने के लिए। ये हाथ ये बाजुओं में बहुत ताकत है, बस आप उसमें भरोसा करो।